महम कस्बे के नागरिक अस्पताल की लापरवाही के चलते महिला ने शौचालय में बच्चे को जन्म दिया। महिला अपने परिजनों के साथ रात को अस्पताल में आई थी, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने यह कहकर टाल दिया कि डिलीवरी सुबह होगी, जिसके बाद महिला रात भर परेशान होती रही और आखिर में महिला ने अस्पताल के शौचालय में ही बच्चे को जन्म दिया। वहीं इस मामले में परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। तो अस्पताल की लापरवाही का यह मामला सामने आया है। महिला के परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बताया जाता है कि परिवार पहले अस्पताल पहुंचा था। महम अस्पताल की यह घटना है, जहां पर कि डॉक्टरों ने कहा कि अभी डिलीवरी का समय नहीं है और महिला बाद में परेशान होती रही और महिला ने शौचालय में इस बच्चे को जन्म दिया है। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। तो आपको बता दें, महम से एक खबर है, अस्पताल की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां पर कि एक महिला ने शौचालय में बच्चे को जन्म दिया है। सर, ये मेरे मिसेज की डिलीवरी थी, जिसके इसके लिए यहाँ हॉस्पिटल में आए थे तकरीबन रात को 9:45 बजे पर। और जी यहाँ आए तो ये जो सिस्टर जी बैठी हुई थी, इन्हें चेक किया पहले, तो हमने कहा अभी ऐसे ऐसे दर्द है, इसको चेक करो। अभी ने एक बार चेक किया है, उसके बाद में 12:30 बजे तक कोई भी नहीं उठ गया है यहाँ पे। उसके बाद में 4:45 बजे जी हम यहाँ उसमें बाथरूम में लेके गए हम इसी को, और वहाँ पे जी गुड़िया को जन्म दिया है।